नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडिया में सबसे सिंपल प्राइस एक्शन की शुरुआत आज करते हैं। निफ्टी का ये 1 आवर का चार्ट है, पर थोड़ी देर के लिए मैं 15 मिनट के चार्ट में भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि बाई ऑन डिप्स, तो आप दो चीज़ इसका मतलब दो तरीके से निकालो। इंट्राडे में जब जब निफ्टी 0.5% 1% गिरता है तो सपोर्ट लेवल पे वहां पे बाय ऑन डिप्स डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इंट्राडे की बात छोड़ो, अगर हमको कई बार जैसे कि होता है ना, एक पर्टिकुलर दिन पे निफ्टी थोड़ा करेक्शन नहीं आया, 2 दिन करेक्शन नहीं आया, तो अगर 1% 2% 3% जितनी गिरावट आती है तो वहां से भी पोजिशनल ट्रेडिंग आप ले सकते हो। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, काफी टाइम से जो वीकली चार्ट है निफ्टी का, उसमें अभी भी कोई अपने को मेजर वीकनेस नहीं देख रही है, अपने शॉर्टिंग की तरफ बिल्कुल नहीं है। इसके लिए तो मुझे क्वेरी आई थी बाय एंड डिप्स के लिए, तो मैंने दोनों चीज आप लोगों को क्लेरिफाई कर दी, ठीक है। अभी फिर से 1 आवर का चार्ट लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी आज भी जो उसने जो नया हाई मारा उसके आसपास जाने की उसने कोशिश की थी, फिर नीचे आके फिर से ऊपर चला गया है, ठीक है। तो जो उसके मेजर जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मेजर सपोर्ट लेवल मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना 17,600 वाला, ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ से गैप था तो शायद एक गैप फिल करने शायद वो आ सकता है 17,600 वाला। फिर ये जो चैनल थी 17,300 वाला, वो एक मेजर उसका एक चैनल का सपोर्ट रहा, ये मेजर उसके हैं। जब तक ये नहीं टूटेंगे तब तक हमें फिर भी अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक इस लेवल के आसपास निफ्टी में करेक्शन होता रहता है होता रहता है होता रहता है, हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। अभी भी ऊपर का टॉप किसी को नहीं मालूम है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते, बहुत बहुत अच्छी एक बात हुई है जिसका मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था और आप लोगों को बोल रहा था कि वीकली एक रेजिस्टेंस है उसका, जो 38,100 के ऊपर चल रहा था वो उसको क्रॉस करना है, उसको मैं आपको बोल रहा था, और वो उसने क्रॉस कर लिया और वहां पे टिक भी गया। अब आगे के एक दो और दिन देख लेते, उसको टिकना पड़ेगा वहां पे। जैसे ही वो टिक लेता है तो हमको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत एक है ना, काफी टाइम से जो क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा था ना, वो क्लियर ट्रेंड भी हमको मिलने लगेगा। ये अभी जो बैंक निफ्टी में हुआ ना कि जो 38,100 का लेवल क्रॉस किया और वहां पे टिका, वो अभी तक की सबसे बहुत बड़ी एक्चुअली उसकी कामयाबी है। 1 आवर के चार्ट में देख लेते हैं कि मेजर मेजर सपोर्ट उसको कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो मैं मेजर उसको सपोर्ट मानूंगा कि यहाँ पे मल्टीपल 1 आवर की कैंडल बनी है, तो 37,600 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है उसको। जब तक ये सपोर्ट टेम्पररी बेस पे वो गिराता नहीं है, हम कोई चिंता नहीं करेंगे। फिर 37,200, और फिर बाद में बात करेंगे ये सब 36,600। ये तो बहुत लॉन्ग टर्म का हो गया, बाकी तो अपने थोड़ा 37,600 की तरफ 37,200 तरफ ही रखेंगे। अभी भी बैंक निफ्टी में भी हम बाय ऑन डिप सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, और 38,100 पे जितने जितने दिन पे ये क्लोज देगा ना आने वाले एक दो दिन में, उतनी इसकी पकड़ बहुत अच्छी बनती जाएगी, उसका ट्रेंड भी बहुत अच्छा बनता जाएगा। बहुत अच्छा बैंक निफ्टी ने ये किया हुआ है, आई होप कि ये कंटिन्यू करेगा। माइंड ट्री देख लेते हैं, उसमें जो करेक्शन आया तो उसकी वजह से मेरे पास कुछ क्वेरी आई थी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, माइंड ट्री में अभी भी ये जो यहाँ से जो चैनल टूटी थी, तो ये जो उसका 4-80 वाला लेवल है, 4-80 वाला जो एक यहाँ पे एक चैनल बनी है, जब तक ये 4-80 को ब्रेक नहीं कर लेता हमें कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से वापस बाउंस करने की कोशिश करता है तो फिर से हम लॉन्ग जा सकते हैं। और उसका एक दूसरा मेजर सपोर्ट यहाँ पे है 41,000 के आसपास, तो 4-80 और 4,100 ये एक मेजर आर्ली कैंडल के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। जब भी इसके आसपास करेक्शन होगा, बाउंस मारेगा, तो इसमें अगेन बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी माइंड ट्री में बढ़ती है, ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेरी आई थी इसलिए मैंने आप लोगों को क्वेरी रिजोल्व कर दी। रिलायंस की बात करते हैं, देखो रिलायंस में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस में वीकली कैंडल देखे ना तो बहुत अच्छी तरह से वो अपसाइड का ब्रेकआउट इस चैनल में मिला है उसको। वीकली जो हाई था एक, उसने वो तोड़ के ऊपर चला गया ऑलरेडी, तो बहुत अच्छी बात है। रिलायंस में अभी बहुत अच्छा ट्रेंड बन रहा है, और रिलायंस में जो यहाँ पे जो हाई 2500 के आसपास, जब तक ये 2500 को नहीं तोड़ेगा तब तक ये अच्छा है। फिर आता है यहाँ पे कि 2460, ये सब चीज़ें वो नहीं तोड़ेगा तब तक वो अच्छा है। यहाँ यहाँ पे करेक्शन होता है तो वो सब चीज़ें मैं बाय ऑन डिप्स के बारे में मैं ले लूँगा उसको।
2420 ये सब मेजर मेजर सपोर्ट है, जहाँ पे करेक्शन आते हैं तो इसको हम बाय ऑन डिप्स में रिलायंस को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वीकली बेसिस पे उसका एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक और चीज ले लेते हैं, डीमार्ट में देखो काफी सारा ये स्टॉक हाई जा चुका है, पर फिर भी आज जिसने यहाँ पे ये जो वन जो कैंडल थी ना, जो 4300 के आसपास उसने सपोर्ट लिया, वो एक बहुत बड़ी अच्छी इंडिकेशन थी। 4300 के आसपास अगर वो टूटता नहीं है तो अगेन ऊपर जा सकता है, बाद में अगेन 4150 एक उसका एक सपोर्ट अच्छा बन सकता है। ये मैं दो लेवल आपको दे रहा हूँ, वॉच करना, अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ तो आसानी से बहुत फिर से करेक्शन में जाता है। अगर उसको ब्रेक कर लेता है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट के फेवर में मैं अभी नहीं हूँ काफ़ी सारे स्टॉक्स में, ये भी ध्यान रखना। तो निफ्टी में एक अच्छा डिस्कशन हो गया आज, बैंक निफ्टी में एक अच्छा जो वीकली उसने ब्रेकआउट ऊपर की तरह उसका एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। अब आने वाला वीक और इंटरेस्टिंग रहेगा। थोड़ा मैंने आपको माइंडट्री के बारे में बता दिया, रिलायंस के बारे में अपने थोड़ा देख लिया और डीमार्ट के बारे में थोड़ी लिया, अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हर रोज़ नई नई कुछ बातें करते रहेंगे, आप लोगों की क्वेरी आए उससे, बट अगेन बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो ट्रेंड है, जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है, इससे एग्रेसिव तो शॉर्टिंग हमें करना ही नहीं है। ये तो बात आपके मन में से जाने ही दो कि मुझे एग्रेसिव शॉर्टिंग करना है या तो बड़ी बड़ी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज लेनी, ये नहीं लेना है जब तक हमको क्लियर नेगेटिव ट्रेंड ना मिले। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बेझिझक ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करते रहना, आपके क्वेश्चन बताते रहना मुझे। और स्टॉक मार्केट में अगर अच्छी तरह से सक्सेस होना है विदाउट एनी शॉर्टकट तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो और ऐप डाउनलोड कर लो, काफ़ी सारे कोर्सेज और स्ट्रेटेजी आप लोगों को मिल जाएगी। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।